morning children today we are going to revise hindi subject okay children so in this we are going to first revise our poem okay children so what are you seeing in this poem a small sparrow so we are going to start saying poem of sparrow come on repeat after me चू-चू करती चिड़िया आई कम ऑन जूडन चू-चू करती चिड़िया आई मुंह में लेके चावल का दाना वन मोर टाइम चू-चू करती चिड़िया आई मुंह में लेके चावल का दाना मोर आया कौवा भी आया ओ oh!

वेरी गुड चिल्ड्रन ओके सबको लगी थी भूख बड़ी चिड़िया ने बनाई खीचड़ी सबको लगी थी भूख बड़ी चिड़िया ने बनाई खिचड़ी मोर ने खाई कौवे ने खाई टाइम चिल्ड्रन सबको लगी थी भूख पड़ी चिड़िया ने बनाई खीझड़ी मोर ने खाई कौवे ने खाई बंदर को भी स्वाद लगी वेरी गुड चिल्ड्रन वेरी गुड ओके कीप इट अप वेरी गुड ओके सो दिस पोयम आई एम गोइंग टू आस्क इन योर ओरल ओके सो नाउ इन द ओरल नॉट ओनली दिस पोयम बट यू हैव टू टेल मी a story also okay and again the story of a small sparrow okay children you have to tell me story of small sparrow okay so can you see a sparrow in the picture yes her name is tony so today we are going to repeat the story of tony chiria okay children so now you are seeing the sparrow is flying in the sky हम्म हिंदी है तो हिंदी में बात करेंगे ओके आई फॉरगॉट भूल गई मैं ठीक है तो एक चिड़िया थी वो उड़ रही थी और उसे उड़ते उड़ते रास्ते में एक जंगल में एक बड़ा सा पेड़ दिखा उस पेड़ पे उसे क्या दिखा उस पेड़ पे उसे एक घोंसला दिखाई दिया और चिड़िया को तो बहुत रात हो चुकी थी तो उसने कहा मैं इस घोंसले में आज की रात रुक जाती हूं सुबह होने पर मैं अलग सा घोसला ढूंढ लूंगी तो क्या हुआ चिर्ट्रन? तो चिड़िया रानी तो अपनी आवाज सुनकर उसकी स्वीट सी म्यूजिक मलरी सॉन्ग सुनकर एक तो स्नेक था उस पेड़ के नीचे उसने कहा वाह आज तो मुझे बहुत बढ़िया खाना मिलेगा मन में मन साफ सोचते रहा ठीक है तो चिड़िया थी तो वो बोली अभी तो सुबह हो गई अभी तो मैं उड़ के मेरे लिए खाना ढूंढती हूँ तो वो उड़ने लगी नया घोंसला ढूंढने लगी यहाँ वहाँ देखने लगी कि कहीं मुझे खाना मिल जाए तो उसे कुछ चावल के दाने दिखाई दिए तो उसने चावल के दानों को खाना स्टार्ट किया और उसने कहा कि अब मेरा पेट भर गया अब मैं क्या करती हूँ अब मैं एक घोंसला ढूंढने जाती हूँ तो उसे एक कौवा दादा मिला कौवे तो दादे ने उसे कहा कौवा दादा था उसने कहा कौवा भैया था उसने कहा कि ए छोटी चिड़िया तुम कहाँ रहती हो तो चिड़िया ने कहा मैं बड़े ऐसे जंगल के नीचे एक घोस जंगल पर एक घोसले में रहती हूँ तो कौवा बोला ओ तुम वहाँ रहती हो उस बड़े पेड़ पर वहाँ तो भूत रहता है भूत जो भी वहाँ रहता है वहां वहाँ के सब जो प्राणी हैं वो, वो गायब हो जाते हैं क्योंकि क्योंकि उस पेड़ पे एक बड़ा सा भूत रहता है तो चिड़िया रानी तो मन में मन घबरा गई अरे भूत रहता है लेकिन कल रात तो मैंने कुछ किसी भूत को नहीं देखा और मेरे पास तो दूसरा रहने के लिए जगह भी नहीं है तो उसने कहा कौवे दादा कौवा भैया मैं आज के दिन ढूंढती हूं अगर मुझे कुछ घर मिला अगर मुझे कुछ घोसला मिला तो इसे छोड़ के चली जाऊंगी तो चिड़िया रानी तो बहुत दुखी हो गई अब क्या करे तो चिड़िया रानी ने मन में मैं सोचा आज की रात वहां रुक जाती हूँ दिन भर तो हमें घोसला तो ढूंढना ही है अगर मिल जाए तो अच्छा होगा बिचारी चिड़िया रानी कौवे ने तो उसे पहले ही डरा दिया था कि वहां कौन रहता है वहा तो घोसला उस वहाँ पे उस पेड़ पे घोसले के पास एक भूत रहता है ओ हमारी छोटी सी प्यारी सी टीटू चिड़िया क्या करेगी अब देखते हैं बच्चों तो चिड़िया उड़ने लगी और सोचने लगी भाई आज तो घर नहीं मिला अब कहाँ रहूंगी यही तो मुझे रहना होगा लेकिन उसके उसे ये भी पता था कि भूत तो होता नहीं है सब डराने के लिए भूत भूत बोलते हैं। लेकिन सच में तो भूत होता नहीं है टीटू चिड़िया छोटी थी लेकिन बहुत ही होशियार थी बच्चों तो उसने कहा आज के रात मैं जगी रहती हूँ देखती हूँ सच भूत होते या नहीं होते हैं तो रात होने लगी चिड़िया रानी सोचने लगी लेकिन वो अब पेड़ के आजू बाजू घूमने लगी कहीं उसे उस भूत दिखाई दे अगर हो तो लेकिन चिड़िया रानी को तो ये पता था कि भूत तो होते ही नहीं है अब क्या करे तो वो गोल गोल घूमने लगी तब उसे दिखाई दिया कौन है वो गंदा सा वो तो एक तो सांप है वो घोंसले की तरफ जा रहा है सांप ने घोंसले में देखा अरे यहाँ तो वो सुंदर सी मधुर आवाज वाली चिड़िया थी चिड़िया तो बहुत गुस्सा हो गई चिड़िया ने कहा एक गंदे सांप तू मुझे खाना चाहता था यहाँ पे तो कोई भूत नहीं है जो भूत है वो तो तू है गंदे और चिड़िया वहां से उड़ गई तो ये थी हमारी टीटू चिड़िया की कहानी ओके बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले रिवीजन पे जो है हमारा लेटर्स हिंदी लेटर्स सो कैन यू सी मी वॉट कैन यू सी Which letter, which Hindi letter you are seeing here? Yes, a say anar. Very good, children. The next one, a say am. Very good. This one, e say imli. You have to see the pictures very carefully. Okay, children, see the pictures very carefully. Padi e say

से गधा और गमला घ से घर या फिर घ से घड़ी वेरी गुड की नवेंब छ चम्मच छ से छत्री ज से जहाज से झंडा त्र ट से टमाटर वेरी गुड चिल्ड्रन ठ तो से ठप्पा या फिर ठ तो से ठग या फिर ठ तो से ठठेरा ड से डमरू ढ से ढक्कन न बान से तरबूसरमस द से दरवाजा से दवाई या फिर दवा द से दवात ध से धनुष न से नल Okay, so this much only I am going to ask in exam. So children, keep revising, keep this video many times, and see the pictures as well as the letter. Because in march the following or identify the correct letter in such cases, I am going to ask it. Okay, and in oral I am going to ask poem and that rhyme, Choo Choo and story of T Two Chidiya. Okay, Tony Chidiya, T Two Chidiya. Whatever name you want to give, you can give. Okay. So you have to tell me the story of Chiria and story of and the rhyme of Choo Choo Chiria. Plus, in the writing, I am going to ask you, sir. Match the following based on this matching of pictures as well as the letters. Okay, children. So on this note, I am saying bye-bye to you. Keep learning. Exam is in November. Okay. So bye bye, be happy, keep learning.